ए शाने, तेरा ही नाम सूर्य है ना? तू रख ले। गुड जो। तू यहाँ किसी को खबर देने आया है या लेने? नहीं बताओ तो। चल सीधे पॉइंट पे आ। तू फ्री है ना? क्यों? राजा जी ने तुझे बुलाया है मेरे साथ चल। अंधों के चश्मे पहनकर मुझे ऑर्डर देता है। चलो तुझे क्या लगा मैं आऊंगा साले कोचू? हाँ भाई। ये क्या बोल रहा है? किसी ने सुना तो नहीं? बड़ी साई पापड़ खाई, इसे बता मैंने क्या कहा। अरे आपका कोचू बोला। तूने मुझको खो चुका है। और क्या कहूँ, किसी येड़े ने तुझे मेरे पास भेजा और तू आ गया। तू क्या दलाल है? मैं राजा शैतान सिंह का लेफ्ट हैंड हूँ। मतलब रोज सुबह तेरा हाथ इस्तेमाल करता है? हाथ बास मारा जाद हो क्या? चुपचाप साथ चल, राजा शैतान से दुश्मनी मत ले। चल तू ही थोक के भाव से दुश्मनी देने आया है, अपुन कहाँ ले रहा है? मतलब तू नहीं आएगा? नहीं आएगा, चल निकाल। अगर एक मिनट भी यहाँ रुके तो सबका लाल पानी निकाल दूंगा। ए, लाल टी शर्ट ज्यादा मत बोल, तू हमको जानता नहीं है। जी, अरे जिंदगी में झुकना सीखो नहीं तो उखड़ जाओगे, क्योंकि हमारे सामने सर उठाने वाले को हम दुनिया से उठा देते हैं, समझे क्या? अरे टीवी पर कोई भी न्यूज लगा रहे, मेरी आरती गा रहे सब लोग। कौन है वो? चाहे वो शमशान भूमि हो या हो खेत खलियान, चाहे वो स्कूल हो या मंदिर, उसे वो पसंद आ गई तो वो कब्जा कर ही लेता है। वो खुद को समझने लगा है गॉडफादर, उसका राज कल्याण टू दादर। देखा भी है। हिटलर की तरह निर्दयी दारू के धंधे पर वो राज करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। उसके निशाने पर माइनिंग माफिया किंग शंकर है, जिसे खत्म करके वो इस धंधे पर भी अपना कब्जा करना चाहता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक एक ही नाम से कांपते हैं, शैतान सिंह पाटिल। न जाने कितने मासूमों की हत्या की है, कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए हैं, पर ताजा समाचारों के अनुसार शैतान सिंह एक चिकने जवान लौंडे से डर गया है। ये क्या बोले? शैतान सिंह की गॉडफादर की कुर्सी क्या खतरे में है, या फिर कोई और आ गया है जो उसकी जगह लेना चाहता है? क्या शैतान सिंह का साम्राज्य इतिहास बनकर रह जाएगा? ये पूरा चैनल फोड़ दूंगा मैं। अरे तेरे को काय को डरूंगा मैं, तू क्या उखाड़ने वाला है मेरा? अरे तूने पब्लिसिटी के लिए मुझसे ज्यादा पैसा दिया होगा चैनल को। तुम लोगों को मारते हो पब्लिसिटी के लिए, पर ये सिटी की पब्लिक माजी है। ये मुला मुला गाजर बीट घर पे, ये चमचे आपके बेटे होंगे मेरे। क्या हौसला है तेरा? हौसले तक ही रहना काका। ये जिम वाला तो बहुत बोलता है। लगता है इसका जिम चलता नहीं, इधर कोई भी नहीं व्यायाम करने वाला। इसको किसी पॉश एरिया में हॉस्पिटल के बाजू में शिफ्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है, तेरा सामान मैं ही बांध देता हूँ। तुम अगर घर पर बोर हो गए हो तो हॉस्पिटल में बेड बुक करवा दूँ? अरे सीधी उंगली से घी ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। तू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है भाऊजी? ओ चाचा, ये डायलॉग फिल्म में बहुत लोग बोल चुके हैं, नया बोलो। तुम्हारे इसी जोश की वजह से तुम अपने एरिया के हीरो बन गए हो। पानी का प्रॉब्लम हो, राशन का, सुलभ शौचालय का, तुम हमेशा आगे होते हो। देखो मेरे साथ हाथ मिला लो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ एक कॉलोनी भी उड़ा दूंगा। तुम्हारे तीन फंडर यही सोच कर आए थे, क्या हुआ उनका? तीनों मौत की खटिया पर लेटे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे आदमी थे, अब जाओ वरना माचिस सट के एक बार डोके में घुसा ले। अगर अपन को किसी ने टच किया तो तेरे को टू मच करेगा। अपने आप को मेरे गुस्से से दूर रख, माजा डोको फिर लो तर तेरे दिन भर गए। निकाल, चल निकाल। चेहरा तो देख, 12 बजे हुए। सूर्य ने उसका बैंड बजा दिया। आप सिर्फ बोलिए, राशन कार्ड से उसका नाम निकाल दूंगा। अगर उसे अभी मार डाला तो पूरे 30 मिनट का मजा 3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। यमराज भी जिस मौत से डर जाए, ऐसी मौत मारूंगा उसे। शैतान सिंह पाटिल हूं मैं। मैंने सुना फ्लाइट में एयरहोस्टेस बढ़िया बढ़िया खाना सर्व करती है, अब वो तो जी भर के खाएंगे यार। अरे वो तो ठीक है, पर तेरे वजन से प्लेन हिलेगा उसका क्या? अपने अपने सामान कर में बेल्ट नंबर 5 से कनेक्ट करें। धन्यवाद।
तेरा नक्शा किसने बदला? तूने कितने मुश्किल से जिम बनाया था यार, इसका नक्शा किसने बदल दिया? राजू ये सब तोड़फोड़ किसने किया? वो शैतान सिंह के आदमी यहाँ आए थे। कहाँ है वो छमियाओं का जिम ट्रेनर जो कायरों की तरह भाग गया? ए, आज तुम्हें पता चलेगा राजा भाई का पावर। बहुत चर्बी चढ़ गई है साले को, उसे बता देना उसने गलत बिल में खाट डाला है। कोई फोन करके खबर नहीं दे सकते थे? हमने सोचा तुम्हें वहाँ पर फोन करके डिस्टर्ब क्यों करें? तू खाली बोल, उसको लाके तेरे कदमों में डाल देंगे। नहीं राजू, जाने दो। अरे पर उन्होंने हमें मारा है, तुम अपने दोस्त के लिए जरा सी मार नहीं खा सकते? हम तेरे दोस्त हैं, तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। कंट्रोल इमोशन, ओवर एक्टिंग मत कर। ए, इसे क्या हो गया? ये सऊदी जाकर बदल गया है। तू बोल, श्रीराम ठीक है ना? ए, वो बिल्कुल ठीक है, हमें बहुत से काम करने हैं। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो। हुआ क्या? किसको ढूंढ रहा है? आखिर तुझे हुआ क्या है? मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया सुबु। लव हो गया? क्या बात कर रहा है? वो लड़की दिखती कैसी है? छोटी है, नाटी है, मोटी है, कैसी है वो? ठीक से देखा नहीं यार। ठीक से देखा नहीं और प्यार हो गया? मैंने उसका फेस क्लियरली देखा नहीं, पर हाई बॉडी परफेक्ट थी। उसकी नाक की रिंग क्या चमक रही थी, इसलिए मैं उसके प्यार में गिर गया। ये दुखी आत्मा इतना रो क्यों रहा है? लगता है ये प्यार का मारा है। क्या हुआ, काहे रोत है? कुछ नहीं, ऐसे ही रो रहे हैं। जो तुमका रुलाया हम उका रुलाएंगे। हमका बेबी ने मारा। कौन सी बेबी रे बाबा? उकी लंबाई पेड़ जितनी है। काहे मारा तोहका? हम उका आई लव यू बोले रहे। आई लव यू कहने पर गरीब को मारा? चल मैं भी उसे कहता हूँ, चल। रही आई लव यू कहने वाले को मारेगी? भाइयों और उनकी बहनों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लड़का किसी भी लड़की को आई लव यू कह सकता है। अगर लड़की को मंजूर ना हो तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़की उसे आई हेट यू बोल सकती है। तो तूने उसे चाटा क्यों मारा? रूल क्यों चेंज कर रही है? चल छोटे जा, अब कहाँ सोचत है? नहीं गुड़बक जा। नहीं भैया, चल जा, आई लव यू कह। अगर नहीं बोला तो मैं तुझे मारूंगा, चल बोल। अगर कुछ भाव तो तुम संभाल लेना है, हम यहाँ खड़े हैं। आई लव यू। अब इसने तो दे दिया, तो हर बत्ती सी ठीक है। तुम हमारे ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे ना? आईक्यू अच्छा है, गुड गुड। वो टिंगू था इसलिए तुमने उसे मारा। अब ये लम्बू तुमसे कहेगा आई लव यू। मार 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 मार, देख क्या रही है, हाथ लगा ना, मारना। अरे कहाँ जा रही है, मारना, एक बार टच करना, हाथ लगा, हेलो सुनना। चल मार, खाना हजम नहीं होगा, मारना एक आने मारना। कुठे चल ली? जब तक तू चाटा नहीं मारेगी मैं आई लव यू कहता रहूंगा। ए गुलाबू, आई लव यू। कितना मजा आया ना? पर दासो फिल्म थी यार, ऐसा बस। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सब लोग ध्यान से सुने, मैं इस लड़की को आई लव यू कहने जा रहा हूँ। आई लव यू। बेवकूफ कहीं का, बात आ रही है, चलो 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 ना जल्दी। क्या हीरा, सड़क जाम प्यार है?
मेरी वाली को छेड़ता है? शक्ल देखिए क्या, लगता है 4 दिन से खाना नहीं खाया। और तेरे को आई लव यू बोलने के लिए मेरी वाली मिली थी क्या? नर्सरी से प्यार करता हूँ उसको, उसे अपनी बहन समझ। उसने मुझे अगले हफ्ते केस देने का वादा किया था, समझा? आई लव यू। ये बताओ तुम सैटरडे 10 बजे कहाँ थी? जहन्नुम में थी। तुम्हें क्या करना है? स्विमिंग पूल, नकली रिंग, डायमंड स्टोन। अब तो मैं फुल हार्ट से कह सकता हूँ आई लव यू। कितना जोड़े रहे तेरे में। डबल इडियट। ट्रिपल थैंक्स। हाय। तुम्हारे नाक की डायमंड रिंग मेरे दिल में होल कर गई है। मैंने ये बात आज तक किसी लड़की से नहीं कही। मैं श्री की कसम खाता हूँ। ये श्री कौन है? वो मेरा दोस्त यार, वही सब कुछ है। अगर तुम्हारी भी मेरे बारे में वही फीलिंग्स है तो थोड़ी फीलिंग्स के साथ बोल दो ना। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? Yes, I love you too. तो हमारे सारे सिग्नल क्लियर है। तो अब क्या इरादा? मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आ जाओ। कपड़े छोड़ो, मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी? नाम में क्या रखा है, मैं तुम्हारे नाम से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फूलन देवी, पहले अपना नाम तो बताओ। तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम फूलन ही है, मेरी दादी ने रखा था, पसंद नहीं आया तुम्हें? सुपर नाम। क्या शाम को डिनर पर बाहर चले हैं? सिर्फ डिनर ही क्यों, पब चलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम? व्हाई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जो मंदिर जाए वो भक्त कहलाता है, जो पब जाए वो लवर सख्त कहलाता है, मेरी तरह। आई एम रेडी। वेरी नॉटी। यस स्वीटी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, लव एट फर्स्ट साइट? या बिना नाम और आईडी के तो ट्रेन की तत्काल टिकट तक नहीं मिलती, और तुम्हें पहली नजर में लव का लाइफ टाइम पास मिल गया। हाँ मिल गया, लव एट फर्स्ट साइट। कौन सी चक्की का आटा खाती हो रही छोरी? एड्रेस क्या है? अरे रूम में चल, वहाँ मेरी इज्जत को खतरा होगा। तेरे को अपन पे ट्रस्ट नहीं है क्या? अपन को अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है। नाइट चार्ज नहीं मिलेगा। संभल कर बैठो। अरे तुम चलो। अयो, अरे मैंने बदले, और कोई है क्या यहाँ? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हिम्मत की नहीं, टाइमिंग की बात थी, सिचुएशन ही ऐसी मेरी थी। मेरी परमिशन के बिना तुमने मुझे होल्ड। मुझे रूम पर लेकर जाओ, किसने कहा था? तुमने, मतलब तुमने ही परमिशन दी थी ना। घूर क्यों रही हो? अगर कोई लड़की नशे में है और तुम्हारे कमरे में आने के लिए कहती है तो क्या तुम उसका फायदा उठाओगे? आमतौर पर नहीं, पर अगर दोनों के मन में बुरे ख्याल ना हो तो नो प्रॉब्लम। मुझे क्यों डर लगे? लव एट फर्स्ट साइट में मेरी काइट की डोर तुमने ही तो काटी। मुझे ऐसा करने पर तुमने ही मजबूर किया। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने झूठे प्यार का नाटक किया। वाह, तुम्हारे अंदर तो एक महान कलाकार छुपा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मल्टीप्लाई हो गया। नो शॉटिंग। आई हेट यू, आई वांट टू किल यू। मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। फिर से इसकी विकेट डाउन हो गई। पहले पीकर गिरी, अब जोश में होश खो बैठी। आइए डॉक्टर, प्लीज चेक, बराबर चेक करना, घर का केस है। हैंगओवर हो गया है, काफी ड्रिंक्स ले ली हैं। काफी ड्रिंक्स नहीं डॉक्टर, फर्स्ट टाइम पी थी। इनके कपड़े बदलने हैं तो। ओह प्लीज कैरी ऑन। एक क्यारे हीरो, एक लड़की टुन थी, उसे रूम पर ले जाने की बजाय यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हो। शक्ल से तो ठरकी लगते हो। क्यों रे, उस मिस का मिस्टर बनने का इरादा है? तुम्हें देखकर लगता है तुम उसके बाप से उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, पर तुम्हारा ससुर तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अच्छा ये बताओ, ये पहली लड़की है या ऐसे बहुत सी लड़की को तुमने पहले भी अपने झांसे में फंसाया है? आईची शपथ क्यों सांग, तो वो लड़की को ही अपने को दुल्हन बनाना है। तुम आओगी शादी में? पहले लड़की से पूछो। इसमें लड़की से क्या पूछना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना मेरे साथ। हा? जाओ, शादी का कार्ड भेज दूंगा। कार्ड का इंतजार करूंगी। पता नहीं लड़कियों को मेरी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़की नहीं पटा सकता।